भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ब्रिटेन, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने भी भारत से आने वाले यात्रियों के अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। बता दें कि सबसे पहले ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई, इसके बाद अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोविड 19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते भारत से यात्रियों के आने पर लंबे समय तक रोक लगा दी। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसके तहत गैर ब्रिटिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोरोना के कथित इंडियन वेरिएंट के 103 नए मामले मिलने के बाद भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि भारत से उन लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनके पास ब्रिटेन या फिर आयरलैंड की नागरिकता है। साथ ही विदेश से लौटे ब्रिटिश लोगों के लिए होटल में 10 दिन का आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अमेरिका ने भी अपने देशवासियों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी कि CDC ने कहा कि कोविड 19 मामलों में वृद्धि के बीच यात्रियों को भारत में किसी तरह की यात्रा से बचना चाहिए, यहां तक कि पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्रियों को कोरोना के नए वेरिएंट और संक्रमण के प्रसार का जोखिम हो सकता है, इसलिए उन्हें भारत में किसी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको भारत की यात्रा करनी ज़्यादा ज़रूरी है तो यात्रा से पहले पूरी तरह से टीका लगवाएं। पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे भारत से आने वाले यात्री। यूके यूएस के बाद पाकिस्तान ने भी कोविड 19 मामलों में वृद्धि के चलते भारत से यात्रियों के आने पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाने का फैसला किया। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख असद उमर की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भारत से यात्रा पर 2 सप्ताह के रोक लगाने का फैसला किया गया। इस संबंध में एक बयान में कहा गया कि NCOC ने भारत को 2 सप्ताह के लिए श्रेणी सी देशों की सूची में रखने का फैसला किया है, जिसके तहत हवाई और जमीनी मार्ग से भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक रहेगी। हांगकांग ने एक्टिवेट की इमरजेंसी। हांगकांग ने भी इमरजेंसी सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट करते हुए भारत से आने वाली फ्लाइट पर 14 दिन के लिए बैन लगा दिया है, जो 20 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। अन्य देश भारत की यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हांगकांग हो या फिर पाकिस्तान, इन सभी देशों ने एक ही वजह से भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है और वो है भारत में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण। तथ्य तो यह है कि कोरोना के दूसरी लहर से पहले भारत उन देशों में शुमार था जो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में वैक्सीन निर्यात कर रहा था, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसे हालात खड़े किए कि अब भारत में प्रतिदिन 2.5-2.5 लाख नए कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और वैक्सीन की किल्लत हो गई है। कोई भी देश अपने यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनने देना चाहता, इसलिए वो भारत से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है। कैसी लगी खबर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।